हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी प्लस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेडिसेलिक ऑइंटमेंट के बारे में। दोस्तों ये किस कंपनी का बनाया हुआ है, कितने का ये आता है, कैसे इसका यूज़ करना है, कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, किस किस प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है, दोस्तों इस क्रीम से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी भी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को आज तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलो हम बात करते हैं मेडिसेलिक ऑइंटमेंट के बारे में। दोस्तों ये टर्की कंपनी का बनाया हुआ है, यानी कि दोस्तों बहुत अच्छी और बहुत ही फेमस कंपनी का बनाया हुआ है। दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आप ये देख सकते हो 150 रुपीज़ में आपको ईजिली मिल जाता है। दोस्तों ये 20 ग्राम की पैकिंग में आता है। दोस्तों ये क्रीम आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर क्लोबिटासोल प्रोपिनेट सैलिक एसिड दिया गया है। दोस्तों ये दो तरह के केमिकल से बनाया गया क्रीम है और दोस्तों ये आपके स्किन को गोरा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों लेकिन इसके यूज़ करने से पहले इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों कि आप ये देख सकते हो इसके अंदर क्लोबिटासोल प्रोपिनेट दिया गया है। दोस्तों ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसका यूज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं किया जाता वरना ये आपके स्किन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों वहीं इसके अंदर दूसरा सॉल्ट दिया गया सैलिक एसिड। दोस्तों सैलिक एसिड केराटोलाइटिक दवा की श्रेणी में आता है। दोस्तों ये सूजन और लालपन को कम करता है और मुहासे, सोरायसिस, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, लाइकोर्टेसिस जैसी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये क्रीम आपके चेहरे को गोरा बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्किन पे दाग हो रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ किस किस तरह की प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों जैसे कि अगर आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, काले दाग हो रहे हैं उसमें कर सकते हैं, डार्क सर्कल्स में कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कहीं चोट लग गई है उसके निशान को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं, या फिर कील मुहासों के अगर आपके चेहरे पर दाग हैं उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एलर्जीज या रिंग बॉर्म के जो दाग हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है, डर्माटाइट एलर्जी में, फंगल इन्फेक्शन में, या फिर अगर आपके स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे इन सारी प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो किया जाता है जो आपके चेहरे पे दाग हो रहे होते हैं, यानी कि झाइयाँ, कील मुहासों के दाग, डार्क सर्कल्स, ब्लैक ब्राउन कलर के जो हमारी बॉडी में दाग हो जाते हैं, दागों को ख़त्म करने के लिए क्रीम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें इसका यूज़ कैसे करना है तो दोस्तों ज़्यादातर इसका यूज़ नाइट में ही किया जाता है। अगर आप दिन में इस क्रीम का यूज़ करते हैं तो इस क्रीम को लगाने के बाद धूप में बिल्कुल भी ना जाएं वरना ये आपकी स्किन को इन्फेक्शन कर सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया।